नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी एस ब्लॉक विथ नी वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में भारत के रेगिस्तान में चलने वाली थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस का इनोग्रेशन 1892 में पाकिस्तान के हैदराबाद से भारत के जोधपुर तक हुआ था। शुरुआती दिनों में इसे सिंध मेल के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों थार एक्सप्रेस पाकिस्तान के कराची से लेकर कोखरापुर तक चलती है और जो भारत की भगत की कोठी से मुन्ना भावर तक चलती है उसे थारलिंक एक्सप्रेस कहा जाता है। थारलिंक एक्सप्रेस भगत की कोठी से रात को 1 बजे खुद चलती है और आपको मुन्ना भाव सुबह 7 बजे पहुंचाती है। मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की प्रॉपर चेकिंग के बाद ट्रेन को यहां से फिर से रवाना किया जाता है और ये दोपहर को 2:30 बजे 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन पहुंचती है। 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन पर फिर से एक चेकिंग के बाद ये रात 2 बजे कराची पहुंचती है। दोस्तों इस ट्रेन में टिकट बुकिंग के लिए आपको भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। वहां उसके वीजा वगैरह की चेकिंग के बाद ट्रेन में टिकट बुक कर दिया जाता है। आरपीएफ द्वारा यात्रियों की चेकिंग के बाद उसके लगेज की चेकिंग की जाती है। उसके बाद रात को 1 बजे थार एक्सप्रेस की यात्रा शुरू करती है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ पूरी रात तैनात रहते हैं और पूरी रात जगकर पूरी सिक्योरिटी का ख्याल रखती है। ट्रेन भगत की कोठी से चलकर बीकानेर रेगिस्तान से गुजरते हुए मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन सुबह 7 बजे पहुंचती है। मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन से 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन तक बीएसएफ की कड़ी निगरानी पर ट्रेन 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन तक पहुंचती है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचने पर पाकिस्तान रेंजर और बीएसएफ के बीच कुछ बातचीत के बाद इसे ट्रेन को भारत से पाकिस्तान की ओर भेज दिया जाता है और फाइनली ये 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। भगत की कोठी से मुन्नाबाव थार एक्सप्रेस का नंबर 14889 दिया गया है और रिटर्न में इस ट्रेन का नंबर 148590 दिया गया है। पाकिस्तान में 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन पर पुनः चेकिंग होते हैं और 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन से कराची के लिए निकल जाती है। पाकिस्तान में ट्रेन का नंबर 405 अप 406 डाउन किया गया है। थार एक्सप्रेस टोटल 7 कोचेस की होती है, वो 7 कोचेस स्लीपर की होती है और लास्ट में एक SLR की कोच होती है। धन्यवाद दोस्तों।